हेलो फ्रेंड्स, बच्चों से लेके बड़ों तक को पसंद आने वाली ब्लैक करंट आइसक्रीम आज हम बनाएंगे घर पर ही। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान है। तो देख रहे हैं कितनी सॉफ्टली ये कट रही है। काफ़ी लोगों का कहना है कि हमारी जो आइसक्रीम है हम जमाते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट बनती है, बहुत ज़्यादा ये पत्थर जैसी बनती है। लेकिन आप मेरे तरीके से और मेरे स्टेप्स को फॉलो करके बनाइए, आपकी भी बिल्कुल ऐसी ही सॉफ्ट और डिलीशियस आइसक्रीम बनके तैयार होगी। देख रही है कितनी बढ़िया लग रही है ये, और बिल्कुल आपकी भी ये ऐसे ही बनेगी। बस थोड़ी सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और आइसक्रीम हमारी बनके तैयार होती है। इसके अलावा मैंने आपको ढेर सारी आइसक्रीम नए नए फ्लेवर्स में बना के दिखाई है, लेकिन आज हम बनाएंगे ब्लैक करंट आइसक्रीम। नमस्कार, मैं कविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। ब्लैक करंट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक पैन में यहाँ पे एक गिलास दूध डाला है। ये आप कच्चा भी डाल सकते हैं, मैंने ये बॉइल कर लिया था तो अब इसको ठंडा करने पर लिया है। 4 चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है, यानी 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और 3 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चम्मच ही चीनी डालनी है, क्योंकि बाद में हम इसमें ब्लैक करंट क्रश भी यूज़ करेंगे और उसमें भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए हम इसमें सिर्फ अभी इतना ही चीनी डालेंगे। और बस अब हम इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने पैन को गैस पे नहीं रखा है। जब हमारा ये मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा तब हम इसे गैस पे रखेंगे। तो अब हमारा ये अच्छे से मिल चुका है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसको गैस पे रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो बस इसको हमें लगातार चलाते जाना है, नहीं तो ये नीचे से चल जाता है। तो बस अब हम इसे क्या करेंगे, लगातार इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये हल्का हल्का गर्म होने लग गया है और धीरे धीरे ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो इसे हमें कितना थिक करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, जब तक कि जो हमारी चम्मच है उसकी बैक को कोट अच्छे से ये होने ना लग जाए मिक्सचर, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो अभी ये थोड़ा सा पतला ही है, तो अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट और चलाऊँगी, लेकिन गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बिल्कुल हाई नहीं करेंगे। और अब ये देखिए, मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये अच्छे से इसकी कोटिंग होने लग गई है। अब हम गैस के नीचे इसको उतार लेंगे और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने देंगे। इसके ऊपर मलाई नहीं जमने देना है, तो आप चाहें तो इसे फैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो अब ये ठंडा हो चुका है और अब हम इसको क्या करेंगे, एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे। तो ये सारा मिक्सचर मैंने एक बाउल में डाल लिया है, और जब हम ये पूरा मिक्सचर एक बाउल में डालेंगे तब हम इसमें एक एयर टाइट लिड लगाकर इसको फ्रीज़र में रख देंगे बहुत ज़्यादा ठंडा होने के लिए। इसमें बर्फ़ नहीं जमानी, बस ठंडा होने देना है। अब एक कंटेनर को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और इसमें हम 1 कप व्हिप क्रीम डालेंगे। व्हिप क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये हैंड मिक्सर लिया है, या फिर अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मिक्सर से इसको चला रही हूँ और इसको अच्छे से हम व्हिप कर लेंगे। इलेक्ट्रिक मिक्सर से हमारा जो काम है बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास ये है तो आप इसे यूज़ के लिए, वरना आप इसको हैंड ब्लेंडर से भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ब्लैक करंट क्रश लिया है ममास का, ये कोई प्रमोशन नहीं है, आपके पास जो भी हो आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। कि 750 ml का बॉटल आती है, तो बस अब हम इसको यूज़ करेंगे। ये आपको इजली मार्केट में मिल जाएगी। बस यहाँ पे मैंने 1/2 कप ये डाला है इसमें, और बस अब हम इसको अच्छे से दोबारा से इलेक्ट्रिक मिक्सर से इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो एक बार मैंने इसको स्पैचुला से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, और बस अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर लेंगे और इसको अच्छे से हम व्हिप कर लेंगे। तो ये बहुत, जितना अच्छा आप इसको व्हिप करेंगे ना उतना ही ये बढ़िया हमारी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। तो बस इसको हम अच्छे से चला लेंगे, और इस तरीके से जब आप आइसक्रीम जमाएंगे ना तो आपकी जो आइसक्रीम है बहुत सॉफ्ट, स्मूथ और बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट देगा। तो बस ये 2 से 3 बार मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। अब हमने जो फ्रिज में रखा था ना ठंडा होने के लिए दूध, वो भी हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने इसमें बर्फ़ नहीं जमने दी है, बस इसे बहुत अच्छे से ये चिल्ड हो चुका है। अब हम ये वाला मिक्सचर भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये मैंने सारा इसमें डाल लिया है और स्पैचुला से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके लिए मैं इसमें फिर से इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। तो बस इसको हम 2 से 3 बार अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर को चला लेंगे इसमें, और ये बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ लग रही है ना, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म
तो बस ये हमारा बढ़िया से तैयार हो चुका है और अब बारी है इसको हम फ्रीजर में सेट करने के लिए रखेंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे आप एक कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप आइसक्रीम को सेट करना चाहते हैं। तो मेरे पास ये वाली टिन भी है जिसमें मैं केक वगैरह बेक करती हूँ, ये वाला भी है, और अगर आपके पास ये नहीं हो तो आपके पास कोई प्लास्टिक जार हो ना एयर टाइट वाला तो आप इसमें भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसमें इसको ले रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की पॉलीथीन हो आपके पास तो आप वो ले लीजिए, मेरे पास ये प्लास्टिक शीट है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो कपड़ों वाली पॉलीथीन आती है ना जिसमें आप कपड़े वगैरह रख के लाते हैं तो बस इसमें आप वो भी सेट कर सकते हैं और आइसक्रीम को इस तरह से डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जब हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाएगी ना तो इसको बहुत आराम से ये आइसक्रीम को छोड़ देगा और एक बढ़िया सी हमारी ब्रिक बन के तैयार हो जाएगी। फिर आपको बार बार इसे पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं ये ब्लैक करंट की चेरी, ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाती है, इसको हम काली किशमिश के नाम से भी जानते हैं। तो बस ऊपर से हम एक बार फिर से पॉलीथीन से इसको टाइट कर देंगे ताकि इसमें एयर ना जाए और इसको फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए आप रख दीजिए और फिर हम इसको मॉर्निंग में देखेंगे। तो ये लीजिए, ओवरनाइट के बाद मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया है और ये बड़े ही आराम से हम इसको एक प्लेट में रखेंगे और ये पॉलीथीन को इसमें से हटा लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया और आराम से हमारी ब्रिक बनके तैयार हो चुकी है। देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया, वो स्मूथ, मुंह में पानी आ जाने वाली हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना। और ये देखिए, चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो ये लीजिए, बढ़िया सी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। इसकी कटिंग से ही आपको पता चल रहा है कि ये टाइट नहीं है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है। और जैसे जैसे ये मेल्ट होने लग जाए ना आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, जब आपका मन करे इसको निकाल के खा लीजिए। अगर ये आपकी बचे तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी बढ़िया है कि आप इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि फटाफट से इसको ख़त्म करने का मन करेगा। तो हमारी बढ़िया सी आइसक्रीम, ब्लैक करंट आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। इसको खाइए, इंजॉय कीजिए। ऊपर से थोड़ा सा हम ब्लैक करंट का क्रश इसमें और इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये लीजिए, मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया है। तो ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया। मैंने इसको ऊपर से भी थोड़ी सी इसमें ब्लैक किशमिश डाल दी है और अब हम बारी है इसको टेस्ट करने की। अगर आप इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा पर्पल कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें पर्पल कलर का फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, मगर इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं करा है, वैसे ही बहुत बढ़िया लग रही है। तो बस इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।